से तो मैम यहाँ आने का मकसद क्या है आपका? जो मेरे यहाँ आने का मकसद है कि जो हरियाणा के सारे जितने भी कलाकार हैं, लोग हैं, सब यहाँ पे आके गौशाला में आके सबकी उनकी सेवा करें और यहाँ पे आके सबकी मदद करें। तो आपकी तरफ से कलाकारों के लिए पैसे लिए जाते हैं या आप फ्री? नहीं जी, मैं फ्री में। तो आप इस कार्यक्रम के जरिए कोई संदेश देना चाहती हैं गो प्रेमियों के लिए? हाँ जी, मैं ये संदेश दूंगी कि क्या कहते हैं, एक तो बचाओ करो और ज्यादा से ज्यादा उनकी सेवा करो, उनकी तरीके से ध्यान रखो गौशाला में, और लोगों को जैसे कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार को क्या करना चाहिए इस तरह से लोग कलाकार उनको बढ़ाने के लिए? उनके बारे में सोचना चाहिए कि कैसे हरियाणा। नमस्कार, मैं आपकी प्यारी सुनीता देवी, हम आज गौशाला में आए हैं। मैम आप यहाँ पर हर साल आते हैं तो क्या मकसद लेके आते हैं क्या? देखो जी, हम यहाँ हर साल आते हैं गौशाला में और यहाँ हमें बहुत प्यार मिलता है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें गौशाला में। गौदान सबसे बड़ा दान होता है। हम हर साल आते हैं, लोग हमें इतना ही प्यार देते हैं और हम चाहते हैं सदा हमें इतना ही प्यार मिलता रहे। यहाँ की व्यवस्था कैसी मैडम हर साल आते हैं? बहुत अच्छी करने जा रहे हैं जिस तरह से कार्यक्रम का लास्ट डे यहाँ पे सबसे पहले तो मैं गौ माता की रागनी जो है मेरी बेस्ट है, यहाँ से उसकी डिमांड हुई है कि वही रागनी जो हमने पहले गाई थी, वही वाली रागनी आपको स्टेज पे करनी है। सबसे पहले हाँ जी, रागनी के जरिए क्या संदेश देना होगा मैम? यही है कि गौ माता की उसमें दुख है। प्रस्तुति दिया आपने, आपकी तरफ से गौ धन सेवा समिति को क्या विशेष योगदान रहेगा? यहाँ जो आप प्रोग्राम करते हो व्यवस्था कैसी रहती है, मैनेजमेंट कैसा है यहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल, एकदम बहुत बढ़िया, बहुत ही कम जगह देखने को मिलती है। लगातार आप प्रोग्राम भी करती हैं तो जिस तरह से यहाँ व्यवस्था रहती है तो कैसी व्यवस्था रहती है और आपका वो प्रेमियों को क्या संदेश है? हाँ जी, यहाँ पे जैसे कि एक तो ये बात है कि यहाँ पे पब्लिक है ना, पब्लिक बड़े आराम से सुनती है, मतलब सभी कलाकारों को बड़े अच्छे से सबको पसंद करती है। यहाँ पे ये नहीं है कोई सीनियर कलाकार है तो उसी को ज्यादा सुने, यहाँ की पब्लिक सबको एक समान प्यार देती है। श्रोतागण जिस तरह से उत्साहित रहते हैं कार्यक्रम को, जिस तरह डांस करती है, प्रस्तुत करती है, तो बड़े सभ्य तरीके से वो सुनते हैं और देखते हैं। नहीं, ये बात नहीं है कि गौशाला का प्रोग्राम है तो ज्यादा धार्मिक हो, यहाँ पे सब चलता है। तो मैम जिस तरह से लगातार पांचवा प्रयास है इनका गौ धन सेवा समिति का, कैसा लगता है मैम? बड़ा अच्छा लगता है और जहाँ तक हो सके, मतलब यहाँ पे जितने भी वो क्या बोलते हैं उसको, भगत जन आए हैं गौ माता के, गौ भगत हन जी, तो यहाँ पे जो भी आए हैं, जिसका एक रुपए का ब्योत है वो अपना एक रुपया का करियो और जिसका लाख रुपया का है वो लाख रुपया का करियो, सभी बराबर हन जी। जहाँ तक मेरी इच्छा या मेरी श्रद्धा होगी उसके अनुसार मैं भी बिल्कुल गौ माता के लिए, यहाँ पे गौशाला ही नहीं बल्कि हर तरीके के पशु जानवर पक्षी हर तरीके की सेवा की जाती। गन्नौर सोनीपत हरियाणा। सर यहाँ आने का पर्पस क्या है, क्या मकसद है? मेरा मकसद है गौ माता के जितने प्रोग्राम होते कहीं भी होते हैं मैं इनको रिकॉर्ड करता हूँ और संदेश देता हूँ यूट्यूब के जरिए, अपनी म्यूजिक कंपनी के जरिए, कि गौ माता की रक्षा करनी चाहिए और गौ माता को आगे से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। तो जिस तरह से हरियाणा में एक गाना चला था गौ माता वाला, प्रसिद्ध रहा था, तो कोई अन्य गाना भी निकालने जा रहे हैं? अन्य गाना भी निकालने जा रहे हैं, ये 1 जनवरी को अपने यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा। अन्य गाना जो गौ माता के उसमें है, बहुत ही अच्छा गाना है, कंवरपाल केलंगिया की आवाज़ में है, ये हमारे मुख्य गायक है यूट्यूब चैनल के। तो सर आयोजन समिति द्वारा जो कार्यक्रम किए जाते हैं
तो उसमें कलाकारों का कैसे सहयोग रहता है? कलाकारों का बहुत बढ़िया सहयोग रहता है, हरेक कलाकार को सपोर्ट करते हैं, हरेक कलाकार को बुलाते हैं प्रोग्राम में। गौ माता के प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी कलाकार इतने पेमेंट नहीं लेता और नहीं इतने पैसे लेता है, सभी गौ माता के प्रोग्राम निस्वार्थ भाव से करते हैं। इस कार्यक्रम के जरिए कोई संदेश सर? ये संदेश मैं देना चाहूँगा, क्योंकि जितनी हमारी गौ माताएँ हैं इनकी ज़्यादा से ज़्यादा रक्षा की जाए, और एक्सीडेंट हो जाता है इनको टाइम पे फ़ोन करो, कॉल करो, उसका नंबर दे रखा है अपनी संस्था ने, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा, और संस्था ने बहुत बढ़िया काम किया है। सर गौवंश भी ज़्यादातर रोडों पे घूमते एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो सरकार से क्या अपील करेंगे सर? सरकार से अपील करेंगे, क्योंकि जितनी भी हमारी गौशालाएँ हैं, जितनी भी हमारी संस्थाएँ हैं, जैसे गौ माता का एक्सीडेंट हो जाता है, उनको संस्थाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग और उपलब्ध करवाए और सहयोग दे, पैसे का हर एक प्रकार का। सरकार से यही अपील है हमारी, गौ माता की जितनी भी हमारी संस्थाएं है हरियाणा में, उनको सभी गौ भक्तों से उनको मिले, वहां जाकर देखें, वहां पर अपने संस्थाओं को चंदा दे, दान दे, यही संदेश है। राम राम सारे भाइयों ने, मैं आपका अपना देसी कलाकार राइट सिंगर रोहतास गगसिनिया, जय हरियाणा, जय हरियाणा। हम यहाँ सर गौ माता के जो भगत है उनको जागरूक करने के लिए आए हैं, और पब्लिक को जागरूक करना चाहते हैं, ताकि जो हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति है, उसको अच्छी तरह से हम सहेज के रख सकें। और गौ माता का, जैसा कि आप जानते हो कि गौ माता का दूध, गौ माता का घी और गौ माता का हर एक मतलब मूत्र तक भी बीमारियों में काम आता है। जो गोधन सेवा समिति है जो ये प्रयास करती है, वो कैसा प्रयास है सर? ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है, बहुत ही काफ़ी संस्थाएं गौ माता के संरक्षण में काम कर रही हैं, हमारी सरकार भी काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, लाडवा गौशाला भी बहुत अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराती है, और बहुत ही मतलब बढ़िया सिस्टम है सारा। सर किस मुद्दे?